फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर, आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि छोटे छोटे मुद्दे को भी हिंदू मुस्लिम बना दिया जाता है, लेकिन इस वक्त आप देख पा रहे हैं हमारे इस वीडियो में कि यहाँ पर एक गुरु जी हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त ऑरेंज कपड़े में। इनका कहना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, मुस्लिम समाज के जो आइडियोलॉजी माने जाते हैं, उनके बारे में इन्होंने गलत बयानी की। इनका कहना है कि उन्होंने गलत तरीके से शादी की थी। इस्लाम धर्मामध्ये ज्या व्यक्तीला आदर्श मानलेला आहे मोहम्मद पैगंबर, या मोहम्मद पैगंबराचं जीवनचरित्र जर तुम्ही पाहिलं, या मोहम्मद पैगंबराने वयाच्या 50व्या वर्षी एका 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न केलेलं आहे, आयशा म्हणून जी आहे। एक मनुष्य 50 वर्षाचा मनुष्य 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न करतो, यापेक्षा कोणता अत्याचार असू शकतो? ज्यांचे आदर्श असे आहेत ते काय वागतील? सहा वर्षाची मुलगी, आणि या मुस्लिम धर्मामध्ये स्त्रियांवर जे अत्याचार घडतात त्याला कारण आहे, अत्याचारचं हेच कारण आहे की त्यांचे आदर्शच अत्याचारी होते। कदाचित कोणी माझ्या मताशी सहमत नसेल, नसण्याचं काही कारण नाही, वस्तुस्थिती आहे। त्यामध्ये जे विचारवंत मुस्लिम आहेत, आजच्या काळामध्ये आज भारतामध्ये माहिती करता मी सांगेल की 1 करोड मुस्लिमांच्या पेक्षा जास्त आकडा आहे की त्यांनी इस्लाम सोडलेला आहे। उसके ऊपर इन्होंने बयान दिया, मुस्लिम समाज इसके ऊपर काफी भड़का हुआ है। इसी को देखते हुए आज मलाड वेस्ट मालवनी के इलाके में कई मुस्लिम समाज के लोगों ने यहाँ पे हंगामा किया और इनके ऊपर FIR कराया। FIR कराने का उसके बाद आगे क्या होगा वो हम देखेंगे, लेकिन इनकी जो गलत बयानी है उनको लेकर अगर उस पर थोड़ी सी हम बातचीत करें तो बताया जाता है कि ये जो बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये 7वीं शताब्दी का है, 7वीं शताब्दी, और इस वक्त चल रहा है 21वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी तक इंडिया में भी जो बच्चे होते थे, जो लड़कियां होती, उनकी शादी 8 से 10 साल में करा दी जाती थी। जब ब्रिटिश सरकार आई तो उन्होंने इस टाइम को बढ़ाकर 12 साल किया, जिसका विरोध भी लोकमान्य तिलक जी ने किया था, जिनको आप लोग काफी अच्छे से जानते हैं। इस वक्त हमारी सरकार का नियम है कि 18 साल के बाद लड़कियों की शादी कराई जाती है। तो ये अलग अलग तरीके के, अलग अलग समय में अलग अलग वक्त होता है, जिसको सही गलत अब तुम अलग जगह पे, अलग सेंचुरी में जाके नहीं कह सकते हो। इसी टॉपिक पे हमारी आज की ये वीडियो है, आप वीडियो देखिए, आपको कैसा लगता है इसके बारे में आप जवाब हमें दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। क्या आपका NGO है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाए कॉल।